आंकड़ों के संकलन और आयोजन से संबंधित गलत धारणाएं, कलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने तालिका और चित्रालेख द्वारा आंकड़ों का संकलन और आयोजन करना सीखा। आज हम आंकड़ों के संकलन और आयोजन से संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जानेंगे। अक्सर देखा गया है आंकड़ों का संकलन करते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि इन अंकों को देखें और बताएं कि इनमें दो से ज्यादा कौन से अंक हैं और वह कितनी बार आए हैं। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इसमें हमें दो को गिनना चाहिए या नहीं। इसी तरह इस उदाहरण को देखते हैं। यहाँ रसोई घर के कुछ सामान और उनकी संख्या को एक तालिका में दिखाया गया है। कौन सा सामान 6 से ज्यादा है? चम्मच और ग्लास। क्या ये सही उत्तर है? मेरे ख्याल से सिर्फ ग्लास, क्योंकि आपने 6 से ज्यादा पूछा था, इसलिए हम 6 को नहीं मान सकते। एकदम सही। जब हम किसी संख्या से ज्यादा की बात करते हैं तो हम उस संख्या को नहीं मानते। लेकिन सलोनी, अगर मैं यह पूछता कि रसोई में कौन सा सामान 6 या 6 से ज्यादा है, तो तुम्हारा उत्तर सही होता। ओह, अब मुझे समझ आया। तो क्या तुम बता सकती हो कि 6 से कम संख्या का कौन सा सामान है? चाकू और कटोरी। एकदम सही। जब हम किसी संख्या से कम की बात करते हैं तो हम उस संख्या को नहीं मानते। उसी प्रकार अगर हम 6 और 6 से कम संख्या के सामान को इस तालिका में देखें तो वो है चाकू, कटोरी और चमचे। तो अब आप सबका यह भ्रम दूर हो गया होगा कि किसी संख्या से कम या ज्यादा गिनने के लिए हम उस संख्या को नहीं मानते। कभी कभी यह भी देखा गया है कि चित्रालेख से उत्तर ढूंढते वक्त बच्चे उस पर दिए गए सूची पर ध्यान नहीं देते। इस चित्रालेख में हम बच्चों के द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबों और उन्हें पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दर्शा रहे हैं। आप सब चित्रालेख को देखकर मुझे बताओ कि कितने बच्चों को परियों की कहानी पसंद है? 5। मैं बताऊं? 10। चीची ने एकदम सही उत्तर दिया है। अक्सर हम सिर्फ चित्रों की संख्या को ही गिन लेते हैं, पर साथ में दिए गए सूची को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ हर एक चित्र की संख्या है 2 बच्चे, तो 5 चित्र हुए 10। इस तरह सूची बनाकर हम चित्रालेख में कम चित्रों से आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। अब फिर से चित्रालेख को देखो। मुझे कौन बताएगा कि डरावनी किताबें कितने बच्चों को पसंद हैं? पर यहाँ तो आधा चित्र बना है। सही। अगर एक पूरे चित्र का मतलब 2 बच्चे होते हैं तो आधे चित्र का मतलब 1 बच्चा। सही। तो कितने बच्चे डरावनी किताबें पढ़ते हैं? 3। एकदम सही। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आंकड़ों के संकलन और आयोजन से संबंधित कुछ गलत धारणाओं के बारे में जाना।